फ्रेंड्स देखिए पम्प अप्स की मैं आपको आज एक विधि बता रही हूँ, छोटी सी ट्रिक्स बता रही हूँ। ये जो हमारे सेल होते हैं उसके टॉप से ये देखिए, ये मैंने देखिए सेल से निकाले हुए हैं, इसे मैं पम्प अप्स तैयार करूँगी। इस तरह से हमने इसे इस तरह से रखना है और फिर निडल की सहायता से हमने इस तरह से हमने पूरा लपेटना है। देखिए जो मैंने वेस्ट वाले आपको टॉप दिखाए थे, सेल के टॉप दिखाए थे, फिर मैंने धागा जो है मैंने नीडल की से सहायता से जो मैंने इसमें डाल दिया था, और देखिए मैंने पूरा ये भर लिया है। अब सीजर की हेल्प से मैंने इसे काटना है। इस तरह से ये बहुत अच्छे पम्पम्स बनते हैं, ये देखिए। और इसे थोड़ा सा इस तरह से हमने ऐसे करना है और फिर इसे पक्के से हमने इसमें जो नॉट मार देनी है, हमने देखिए नॉट लगा दी है हमने। देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ है हमारे पम्पम्स। देखिए ये देखिए वेस्ट धागे का यूज़ करना बताया मैंने आपको, वो भी मैंने इस देखिए वेस्ट सेल के ढक्कन, ये हमारे इससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, जैसे हमारे फ्लावर्स वगैरह बनाने हो हमने अगर, बहुत सी चीज़ें बनती है हमारी, ये देखिए। थैंक यू थैंक यू। हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज पिंकी डोगरा देखिए आपको नई ट्रिक सिलाई हुई है। ये मेरा वुलन वाला बेबी का जो है बेकार पड़ा पजामू था मेरे पास, और देखिए मैंने इसे एक अच्छा सा मैंने देखिए हुड बना दिया है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो सिलाई है वो मैंने उधेड़ दी है, और बैक साइड में मैंने आगे फ्रंट में मैंने देखो नेक तैयार किया हुआ है, और पीछे जो है मैंने यहाँ पर देखिए हुड तैयार कर दिया। ये सारा वर्क जो है मैंने मशीन में ही किया हुआ है। देखिए बेबी का ये बड़ा प्यारा टॉप तैयार हो गया है, और देखिए अब मैंने जो पम्प्स बनाए हुए वो मैं इसमें अटैच कर दूँगी और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और दूसरा मैंने इसके साथ एक और पजामू बनाया हुआ है, और ये पजामू तो सभी बनाते हैं पर मैंने इसे पॉकेट्स वाला बनाया हुआ है। देखिए प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।